नमस्कार दोस्तों, स्वागत है डेली स्टडी में। तो मैं आपके लिए लेकर आ चुका हूँ साइंस का सेट। दोस्तों इस वीडियो में हम आपको 25 क्वेश्चंस कराने वाला हूँ जीव विज्ञान से। दोस्तों सभी प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अच्छे लेवल का है और अपडेट क्वेश्चन है, इसलिए आप इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। और वीडियो के अंत में आप ये बताइएगा कि इन 25 प्रश्नों में से आप कितने प्रश्न का सही जवाब दे पाएँ। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर, मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में कौन सा तत्व है? कार्बन, आयरन, नाइट्रोजन या फिर ऑक्सीजन? इसका सही जवाब क्या होगा? तो दोस्तों यहाँ पे सही जवाब होगा, मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में सबसे ज़्यादा तत्व होता है ऑक्सीजन, ऑप्शन डी। दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि मानव के शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा 62% होती है और कार्बन की बात करें तो ये 20% होता है और नाइट्रोजन 3% होता है। इसलिए ऑप्शन डी यहां पे सही जवाब होगा, मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा होता है। ऑप्शन डी सही जवाब है। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर, जैव तंत्र में संख्या की दृष्टि से सर्वाधिक कौन सा तत्व पाया जाता है? हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन या फिर नाइट्रोजन? तो दोस्तों यहाँ पर सही जवाब होगा ऑप्शन बी, ऑक्सीजन सही जवाब है। आगे चलते हैं, अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट है। खट्टे स्वाद के लिए कोशिकाएं जीव के किस भाग में होती है? अगले, पिछले, पार्श्व या फिर मध्य? यानी कि खट्टे स्वाद जो आप स्वाद करते हैं यानी कि पता लगाते हैं, ये जीव के किस भाग से पता लगाते हैं? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन सी, पार्श्व। पार्श्व से हम लोग खट्टे स्वाद का पता लगाते हैं। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4, इम्पोर्टेंट है। मानवों में स्वादेंद्रियाँ किसका पता लगाते हैं? स्वाद, स्पर्श, गंध या फिर सुनना? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन ए, मानवों में स्वादेंद्रियाँ स्वाद का पता लगाते हैं। दोस्तों हम आपको बताना चाहेंगे कि मानव जो है 4 प्रकार के स्वाद का अनुभव करते हैं, यानी कि हम लोग जो है 4 प्रकार का स्वाद का अनुभव करते हैं, जिनमें कि कौन कौन है। पहला तो है आपका मीठा, दूसरा होगा आपका नमकीन, तीसरा होगा आपका खट्टा और चौथा होगा आपका कड़वा। ओके, आगे चलते हैं, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 5 है, आहार में लवण का मुख्य उपयोग क्या है? जल में भोजन के कणों की विलयता को बढ़ाना, भोजन के पाचन के लिए अपेक्षित हाइड्रोक्लोरिक एसिड लघु मात्रा में पैदा करना, पकाने की प्रक्रिया को सरल बनाना या फिर भोजन को स्वाद बनाना? आहार में लवण का मुख्य उपयोग क्या होता है? तो यहाँ पे सही जवाब होगा आहार में लवण का मुख्य उपयोग भोजन को स्वाद बनाना। ऑप्शन डी सही जवाब है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 आपके स्क्रीन पर आता हुआ, आहार नाल एक लंबी नली है जो कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है? मुंह से आमाशय तक, आमाशय से बड़ी आंत तक, छोटी आंत से गुदा तक या फिर मुंह से गुदा तक? तो यहाँ पे सही जवाब होगा आहार नाल एक लंबी नली है, ये मुंह से गुदा तक फैला हुआ है। ऑप्शन डी सही जवाब है। दोस्तों वीडियो को कहीं भी आप स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि एक एक प्रश्न आपके परीक्षा के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। अगला प्रश्न कर लेते हैं, अगला प्रश्न काफ़ी अच्छा है। लसिका किससे पचा हुआ तथा अवशोषित वसा का वहन करती है? फेफड़ों, आमाशय, क्षुद्रांत या फिर वृक्क? तो यहाँ पे दोस्तों सही जवाब होगा क्षुद्रांत, ऑप्शन सी सही जवाब है, क्षुद्रांत। लसिका जो है क्षुद्रांत से पचा हुआ तथा अवशोषित वसा का वहन करती है। क्षुद्रांत दोस्तों ये होता है छोटी आंत। ओके, छोटी आंत को ही हम लोग क्षुद्रांत कहते हैं। ऑप्शन सी यहाँ पे सही जवाब होगा, क्षुद्रांत। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 आपके स्क्रीन पर, काफ़ी अच्छा है, इम्पोर्टेंट है। पशु प्रोटीन को प्रथम श्रेणी का प्रोटीन माना जाता है क्यों? अनिवार्य अमीनो एसिड से भरपूर होता है, बाजार में सस्ता होता है, सुपाच्य होता है या फिर खाने में स्वादिष्ट होता है? पशु प्रोटीन को प्रथम श्रेणी का प्रोटीन माना जाता है, इसका क्या कारण है? तो यहाँ पे दोस्तों सही जवाब होगा ऑप्शन ए, पशु प्रोटीन को प्रथम श्रेणी का प्रोटीन माना जाता है क्योंकि यह अनिवार्य अमीनो एसिड से भरपूर होता है। दोस्तों हम आपको बता दें कि अमीनो एसिड जो है ये मानव शरीर में नहीं होता है, ये भोजन से लेना पड़ता है। ओके, ऑप्शन ए सही जवाब है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 है आपके स्क्रीन पर, गहरे तले हुए खाद्य पदार्थ कैंसरजनक होते हैं क्योंकि
इनमें किसकी प्रचुरता होती है, वसा की, हाइड्रोकार्बन की, पकाने की तेल की या फिर निकोटीन की? तो यहाँ पे सही जवाब होगा गहरे तले हुए खाद्य पदार्थ कैंसरजनक होते हैं क्योंकि इनमें प्रचुरता होती है वसा की। ऑप्शन ए सही जवाब है, वसा। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आता हुआ प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 10 आपके स्क्रीन पर। वह पदार्थ कौन सा है जो 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों के लिए विकास करने के लिए बहुत आवश्यक है? प्रोटीन, वसा, विटामिन्स या फिर दूध? तो यहाँ पे दोस्तों सही जवाब होगा ऑप्शन ए, सही जवाब होगा प्रोटीन। दोस्तों हम आपको बता दें कि हमारे बॉडी में 14% प्रोटीन होता है और ये 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों के लिए अति आवश्यक है। क्या? प्रोटीन, ध्यान रखिएगा प्रोटीन, और ये हमारे बॉडी में 14% होता है। ऑप्शन ए सही जवाब है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 आपके स्क्रीन पर। एमिनो एसिड की आवश्यकता किसके संश्लेषण के लिए होती है? लिपिड, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट या फिर एल्केलॉइड? तो यहाँ पे सही जवाब होगा एमिनो एसिड की आवश्यकता ये प्रोटीन की संश्लेषण के लिए होती है। ऑप्शन बी सही जवाब है, प्रोटीन। ओके, आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 यानी कि 12 प्रश्न है आपका। नाइट्रोजनी आहार इनमें से क्या है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड या फिर लवण? तो यहाँ पे सही जवाब होगा नाइट्रोजनी आहार जो है ये प्रोटीन होता है। ऑप्शन बी सही जवाब है। ओके, ऑप्शन बी प्रोटीन सही जवाब है, नाइट्रोजनी आहार प्रोटीन होता है, ऑप्शन बी। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। लाल चने से कौन सा एंजाइम मिलता है? यूरीएस, जाइमेस, माल्टेस या फिर डाइस्टेस? लाल चने से कौन सा एंजाइम मिलता है? काफ़ी अच्छा प्रश्न है और ये प्रश्न काफ़ी पूछा जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे सही जवाब होगा लाल चने से डाइस्टेस एंजाइम मिलता है। ऑप्शन डी सही जवाब है। और दोस्तों यहाँ पे एक प्रश्न आपसे ये पूछा जाएगा कि लाल चना का दूसरा नाम क्या है? तो ध्यान रखिएगा लाल चना का दूसरा नाम है अरहर। आपको पता ही होगा अरहर किसे कहते हैं, लाल चने को कहते हैं, और इनके अलावा इसे तूर के नाम से भी जाना जाता है। ओके, और दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे यानी कि इंटरेस्ट हो तो प्लीज़ तुरंत इस वीडियो को अभी तुरंत के तुरंत लाइक कर दीजिए और कम से कम आप 5 लोगों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। दोस्तों वीडियो को शेयर करके आप हम लोग को सपोर्ट कर सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 करते हैं आपके स्क्रीन पर। एंजाइम इनमें से क्या होते हैं? सूक्ष्मजीव, प्रोटीन, अकार्बनिक यौगिक या फिर फफूदी? तो यहाँ पे दोस्तों सही जवाब होगा एंजाइम जो है ये प्रोटीन होता है। ओके, यहाँ पे सही जवाब होगा प्रोटीन, ऑप्शन बी सही जवाब है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 यानी कि 15 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। एंजाइम के प्रोटीन भाग को क्या कहते हैं? आइसो एंजाइम, होलो एंजाइम, एपो एंजाइम या फिर उपयुक्त सभी? एंजाइम के प्रोटीन भाग को क्या कहते हैं? तो दोस्तों यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन सी, एंजाइम के प्रोटीन भाग को एपो एंजाइम कहते हैं, एपो एंजाइम, ऑप्शन सी सही जवाब है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 काफ़ी अच्छा है और इम्पोर्टेंट है। मछली एक प्रथम श्रेणी का प्रोटीन है क्योंकि इसमें क्या पाया जाता है? आवश्यक एमिनो अम्ल, अनावश्यक एमिनो अम्ल, सभी आवश्यक वसीय अम्ल या फिर कोई एमिनो अम्ल नहीं? तो यहाँ पे दोस्तों सही जवाब होगा मछली एक प्रथम श्रेणी का प्रोटीन है क्योंकि इसमें आवश्यक यानी कि ज़रूरत से भरा हुआ एमिनो अम्ल पाया जाता है। ऑप्शन ए सही जवाब होगा आवश्यक एमिनो अम्ल। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 आपके स्क्रीन पर काफ़ी अच्छा है। डाइस्टेस एंजाइम का स्रोत इनमें से क्या है? लार ग्रंथि, अमाशय, यकृत या फिर अग्नाशय? तो यहाँ पर सही जवाब होगा डाइस्टेज एंजाइम का स्रोत है लार ग्रंथि। ऑप्शन ए सही जवाब होगा लार ग्रंथि। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 है आपके स्क्रीन पर। किस एंजाइम की उपस्थिति के कारण एच आई वी अपना आकार अक्सर बदल लेता है? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेस, एंट्रोकाइनेस, न्यूक्लियोटिडेस या फिर न्यूक्लियो ओडिटेस? तो यहाँ पे दोस्तों सही जवाब होगा रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेस एंजाइम की उपस्थिति के कारण जो है एचआईवी अपना आकार अक्सर बदलते रहता है। ऑप्शन ए सही जवाब है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 आपके स्क्रीन पर काफ़ी अच्छा है और इम्पोर्टेंट है। दूध में दूसरा सबसे बड़ा तत्व क्या होता है?
वसा, खनिज, जल या फिर शर्करा। दूध में दूसरा, ओके, दूसरा पहला नहीं, दूसरा पूछा है कि दूध में दूसरा सबसे बड़ा तत्व क्या होता है। ऑप्शंस आपके स्क्रीन पर है और इसका सही जवाब क्या होगा। तो यहाँ पे दोस्तों सही जवाब होगा, दूध में दूसरा सबसे बड़ा तत्व होता है शर्करा। ऑप्शन डी सही जवाब है। दोस्तों हम आपको बताना चाहेंगे, शर्करा, शर्करा का दूसरा नाम लैक्टोज होता है, ओके। और लैक्टोज ये शर्करा का दूसरा नाम जो है, इसलिए दूध की शुद्धता की माप जो की जाती है लैक्टोमीटर से की जाती है। ये बात भी आप ध्यान रखेंगे। और दोस्तों हम आपको बता दें कि गाय यानी कि गौ माता होता है, यानी कि गाय के दूध जो होता है इसमें जल की मात्रा होता है 87%, और ये शर्करा यानी कि लैक्टोज की मात्रा जो होती है 4.8% होता है। और वहीं बात करें हम लोगों की यानी कि मनुष्य के दूध यानी कि हमारी माँ बहनों के दूध में जल की मात्रा कितनी होती है, तो ध्यान रखिएगा जल की मात्रा होती है 88%, यानी ये जो होगा मनुष्य के दूध में होगा 88% दूध, और शर्करा यानी कि लैक्टोज की मात्रा 7% होता है। तो कहा जा सकता है कि दूध में दूसरा सबसे बड़ा तत्व शर्करा होता है यानी कि लैक्टोज, और पानी की मात्रा कितनी होती है 88 या 87% ऐसे करके होता है। ये सबसे ज़्यादा मात्रा में होता है दूध में, सबसे ज़्यादा तत्व पाया जाता है जल और दूसरा शर्करा। ऑप्शन डी यहाँ पे सही जवाब है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 आपके स्क्रीन पर। पित्त का स्रोत क्या है, पित्ताशय, पित्तवाहिनी, यकृत या फिर अग्नाशय। तो यहाँ पे सही जवाब होगा दोस्तों, पित्त का स्रोत जो है आपका यकृत होता है। ऑप्शन सी सही जवाब है, यकृत। दोस्तों हम आपको बता दें कि पित्त में जो है ना लगभग 97% जल होता है। और एक प्रश्न आपसे यहाँ पे ये पूछा जाएगा कि पित्त का पीएच मान कितना होता है, तो ध्यान रखिएगा पित्त का पीएच मान 7.6 से 8.6 के बीच होता है, ओके। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 आपके स्क्रीन पर, काफ़ी अच्छा है। यूरिया किस में संश्लेषित होता है, यकृत, फेफड़ों, प्लीहा या फिर वृक्क यानी कि गुर्दा। यूरिया किस में संश्लेषित होता है, तो यहाँ पे दोस्तों सही जवाब होगा यकृत। ऑप्शन ए सही जवाब है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 आपके स्क्रीन पर है। लीवर किससे भरपूर स्रोत है, शर्करा, वसा घुलनशील विटामिन, खनिज या फिर प्रोटीन। लीवर किससे भरपूर स्रोत है, ऑप्शंस आपके स्क्रीन पर है, और इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। तो यहाँ पे दोस्तों सही जवाब होगा लीवर वसा में घुलनशील विटामिन है। ऑप्शन बी सही जवाब है। दोस्तों अब यहाँ पे एक प्रश्न ये पूछा जाएगा कि वसा में घुलनशील कौन कौन सी विटामिन है, तो दोस्तों मैं आपको बता दें कि विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के, ये सभी के सभी जो है वसा में घुलनशील विटामिन होता है। और वहीं बात करें जल में घुलनशील कौन कौन सी विटामिन होती है, तो ध्यान रखिएगा विटामिन बी और विटामिन सी, ये दोनों जो है जल में घुलनशील होती है, और विटामिन ए, विटामिन डी और विटामिन ई और साथ ही विटामिन के, ये सब के सब वसा में घुलनशील होती है, और विटामिन बी और सी ये जल में घुलनशील होता है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 आपके स्क्रीन पर है। कौन सा अंग ग्लाइकोजिन को ग्लूकोज में बदलता है और रक्त को शुद्ध करता है, यकृत, गुर्दा, फेफड़े या फिर तिल्ली। इस प्रश्न का सही जवाब होगा, तो यहाँ पे दोस्तों सही जवाब होगा ऑप्शन ए यकृत। यकृत अंग जो है ग्लाइकोजिन को ग्लूकोज में बदलता है और ब्लड को साफ करता है। ऑप्शन ए सही जवाब है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर आपके स्क्रीन पर है 24। टेबल शर्करा किस प्रकार की शर्करा है, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज, ग्लूकोज या फिर सुक्रोज। टेबल शर्करा किस प्रकार की शर्करा है, तो यहाँ पे दोस्तों सही जवाब होगा ऑप्शन डी, टेबल शर्करा सुक्रोज की शर्करा है। ऑप्शन डी सही जवाब होगा, सुक्रोज। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 25 आपके स्क्रीन पर। और दोस्तों इस टेस्ट को पूरा करने के बाद हम अंत में एक क्विज टेस्ट आपके लिए रखे हैं, जिसका उत्तर आपको कमेंट करके बताने हैं। आपके प्रश्न है आखिरी, खाद्य प्रोटीन के दो सबसे समृद्ध ज्ञात स्रोत क्या है, यानी कि खाद्य प्रोटीन में सबसे ज़्यादा किस में प्रोटीन पाया जाता है, मांस तथा अंडे, दूध और सब्जियां, सोयाबीन और मूंगफली या फिर एक प्रकार का शैवाल और अन्य सूक्ष्म जीव।
तो दोस्तों यहाँ पे सही जवाब होगा खाद्य प्रोटीन के दो सबसे अच्छे स्रोत हैं सोयाबीन और मूंगफली। ऑप्शन सी सही जवाब होगा, सोयाबीन और मूंगफली में प्रोटीन सबसे पाया जाता है। ऑप्शन सी सही जवाब है। तो दोस्तों आपका टेस्ट हो चुका है पूरा, 25 क्वेश्चंस मैंने आपको करा दिए हैं और आप ये बताइए कि आप 25 में से कितना स्कोर कर पाएँ, ये आप कमेंट करके बताइएगा। और एक प्रश्न आपके लिए है, इसका सही जवाब आपको नीचे कमेंट करके बताना है। प्रश्न है आपके लिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक रेशेदार प्रोटीन है, हीमोग्लोबिन, एल्बुमिन, क्रिएटिन या फिर एंजाइम। इस प्रश्न का सही जवाब आप नीचे कमेंट करके बताइएगा और आप 25 में से कितना सही कर पाएँ ये भी आप कमेंट करके बताइएगा। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और कम से कम आप इस वीडियो को 5 लोगों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ ही बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिएगा ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। और ये वीडियो आपको कैसा लगा ये भी आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। और ज़्यादा वीडियो देखने के लिए आप इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन को चेक कीजिए, वहाँ पर आपको बहुत सारे वीडियोज मिल जाएंगे। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच, बाय बाय, सी यू अगेन द नेक्स्ट वीडियो।